पढ़ते रहो फटाफट, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। दिन भर रिपोर्ट्स आती हैं रोज, अलग अलग तरह की, हमारे काम की भी नहीं रहती, ये भी हमारे काम की विशेष नहीं है कुछ, बट इसका एक दो पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट बना देता है इसको ना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एयर पॉल्यूशन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन न्यू बॉर्न्स। फर्स्ट एवर लग गया ना, बस इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गया, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो दुनिया की पहली ऐसी रिपोर्ट जो न्यू बॉर्न पे एयर पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होगा उसको बताती है, वो रिपोर्ट आई है अभी हाल में, जिसका नाम है क्या, SOGA 2020, ठीक है। और ये किसने पब्लिश करी है, HEI हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने पब्लिश करी है। इतनी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि ये जो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है ये है क्या पे, तो देखिए, इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट जॉइंटली फंडेड बाय USA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। एक बात और देखिए, थोड़ा सा जब बियॉन्ड लाइन की बात करेंगे हम लोग, जब आगे इसमें पढ़ेंगे तो ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, इवन साइंस वगैरह की क्लास में सब पढ़ाया ही जाएगा आपको, तो अभी इस पर बात नहीं करते। ऐसे समझिए कि जो हवा में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, PM का नाम दे रहे हैं। तो जरा इन चार देशों के नाम देखो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हम ये कह सकते हैं चारों साउथ एशिया में हैं। तो दुनिया के 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज में, द टॉप 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज में चार देश कहाँ के हैं, साउथ एशिया। मोटा मोटा 50% दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड एरिया कौन सा है, साउथ एशिया। ये एक लाइन के बियॉन्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक बात है, और इसमें कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाईएस्ट ओजोन एक्सपोजर में भी इंडिया आता है टॉप 10 में, ठीक है। तो पूरी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो न्यू बॉर्न्स हैं इस पर जो सबसे ज़्यादा खतरा निकल कर आ रहा है वो इंडिया और इन्हीं चार देशों में आ रहा है, इंडिया को आप उसमें रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय है और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक्ट या ये वाला आर्टिकल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, UAPA। सबसे पहला पूरा फॉर्म क्या है इसका, बहुत सारे लोगों को लगता है UAPA आया कब है, 2005 में, बट UAPA एग्जैक्टली कब का था, 1967 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, नाम से क्लियर है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन उस समय अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को 67 में अलग तरीके से डिफाइन किया गया था और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। उस समय ऐसी कोई एक्टिविटी जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के अगेंस्ट थी उसको हमने क्या नाम दिया था, अनलॉफुल एक्टिविटी। और इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दिया था कि अगर कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो आप उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस एक्ट को आप रोकिए एनी हाउ। बट समय के साथ साथ ये UAPA में कई सारी चीज़ें जोड़ी जाने लगी। अभी क्यों चर्चा में आ गया, अभी एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे उनको UAPA में चार्ज करके हम लोगों ने डिटेन कर दिया, तो कई सारी अपोजिट पार्टी डिमांड करने लगी इस एक्ट को रिपील करो। इसके क्वेश्चन कई सारे बनेंगे, अभी हम लोग प्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं मेंस में कि क्या रिपील किया जाना चाहिए कि नहीं रिपील किया जाना चाहिए। जैसे आपने AFSPA में पढ़ा था, जस्टिस जगजीवन राम की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी थी कि क्या AFSPA रिपील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात है, ठीक बात है, आगे देखते हैं। तो UAPA वॉज पास्ड इन, देख के बताते रहिएगा तो आपको आसान होगा, इससे जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है ना वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। तो दो चीज़ों को करना था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और वो सारी एसोसिएशन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी उसको। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या था, सिंपली देखिए, टेकन बाई एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी इंडिया के अगेंस्ट कोई कदम उठाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि आप अपने आप डिफाइन करते रहना समय समय पे कि अनलॉफुल एक्टिविटी है क्या, तो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, आज भी कर रही है। खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि UAPA में इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों को चार्ज किया जा सकता है, ठीक बात है।
इसके लिए हमें किसी अगले नेशन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई फॉरेन नेशनल आके इंडिया में कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एज वेल एज अगर इंडियन सिटीजन कहीं बाहर जाकर या बाहर रहने वाले इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है या कोई एक्ट करता है तो ऐसे ऑफेंडर को हम लोग इंडिया में ट्रायल कर सकते हैं। ठीक बात है। इट विल बी अप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। क्लियर हो गया। तो इंडिया में भी इंडियन नेशनल को, फॉरेन नेशनल को चार्ज कर सकते हैं और विदेशों में भी हम ऐसे लोगों को, ऐसे ऑफेंडर्स को कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम टाइम कितना है चार्जशीट फाइल करने का, आपसे पूछेंगे ना एग्जाम में, बट ऐसे हल्की फुल्की नज़र में हम लोग देखते चलते हैं। और अगर कोर्ट परमिट करे तो और ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, हर प्रोसीजर ही यही है हर जगह का ना, कि भैया आप टाइम लीजिए, अगर आपको कोर्ट परमिट दे रहा है तो आप सालों साल गुजारते रहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2004 में हमने एक शब्द इसमें ऐड कर दिया जिसका नाम क्या रखा, टेररिस्ट एक्ट। हमने पीछे बताया कि इस एक्ट में जो एब्सोल्यूट पावर दी गई है वो किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अंडर UAPA पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या सम एजेंसीज। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। तो 2004 में इसमें कौन सा है वर्ड जोड़ दिया गया, टेररिस्ट एक्ट जोड़ दिया गया। और इसी के तहत आपको याद होगा 2004 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी, इस पे भी बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। तो ये टेररिस्ट एक्ट जोड़ने के बाद हमने लगभग 34 आउटफिट्स बैन किए थे इसी बेसिस पर। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पावर इसमें दी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सबके पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसकी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किसने करी है, NIA के पास है सबसे ज़्यादा पावर है। DG NIA सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी हुआ, तो वो जो भी चाहे कर सकता है, किसी अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन की सारी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, प्रॉपर्टी पे बैन कर सकता है, डिटेन करवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अलग अलग रोल दिया है और हमारे लिए बहुत डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारे किसी सिलेबस में लाई नहीं करता है। इसका मैं पेन चेंज कर लूँ क्या भूपेन, ये सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा निशांत हमें बताओ, एक ये न्यूज़ है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जियो टैगिंग, ठीक है ना। अगर तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, और बताओ भूपेंद्र। हमारे हिसाब से तो दो ही चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए हम लोगों को, एक तो व्हाट इज़ जियो टैगिंग एंड व्हाट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बस और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा ये भी लिख लेते हैं, मोबाइल टैगिंग, सैमसंग के मोबाइल टैगिंग। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जियो टैगिंग फॉर टैगिंग द कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक बात है। अंडर प्रधानमंत्री कृषि से एक और यहाँ पॉइंट और है, आखिर ये कंपोनेंट किन कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। अब यहाँ से देखो, इसमें एक नई चीज मिली कि ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किसने करी है, देखिए बताइए आंसर, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने डेवलप करी है। ये किसके अंतर्गत काम करता है, देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्री टाइप के क्वेश्चन से सीधे सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है ये वाला ना, कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहाँ पे है, किसके अंतर्गत काम करता है, तो किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, जियो टैगिंग क्या होती है, तो देखिए जियो टैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन डेटा टू वेरियस मीडिया सच एज वेबसाइट, मैसेजेस, QR कोड्स। आपने सिंपल सा एक छोटा सा आपको आंसर बताया, आप कभी किसी जगह से जा रहे हो तो आपने देखा होगा एक मैप आ जाता है, वहाँ पे आपकी टैगिंग दिखाई देती है, किसी लोकेशन पर आप दिखाते हैं, या आप मानिए किसी अच्छी दुकान के सामने से गुजरे तो आपसे रिव्यू मांगने लगते हैं। तो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है ना जो टैग करने की कोशिश करेगा कि आप यहाँ से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, और आप उसका आंसर दे देते हैं, रेटिंग कर देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, जियो टैगिंग। किसी जियोग्राफिकल एरिया से किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अटैच करना ही क्या है, जियो टैगिंग है, सॉफ्टवेयर को अटैच करना है, जियो टैगिंग है। खैर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च की गई थी, 2015
इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी पूरा पूरा फंड कौन कर रहा है? केंद्र। और अगर सेंट्रल चाह रहा है तो कुछ फंड स्टेट से भी ले रहा है। नॉर्मली इसमें दो तरह की स्कीम्स रखे जाते हैं, 90:10 और 75:25। ये सेंट्रल की मर्जी है, हो सके 100% फाइनेंस कर देगा, हो सकेगा तो कुछ फंड स्टेट से कंट्रीब्यूट करा लेगा। दोनों लोग मिलकर कुछ योजनाओं को चलाते हैं, अकेले स्टेट्स भी चलाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है या मोटो क्या है इसका देखकर देखिए, बहुत बड़ा, हर खेत को पानी। नाम से क्लियर है कि तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो ऑब्जेक्टिव है कि हर खेत को क्या मिले, सिंचाई की सुविधा मिलती रहे। इसका एक और अगर हम देखें तो आप इसको समझिएगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका मतलब क्या है, देखिए जहाँ पे नए साधनों को डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि हम मैनेजमेंट अच्छा करें, जो भी हमारे पास साधन है सिंचाई के पानी के उसका मैनेजमेंट कैसा करें, बेस्ट करें, या हॉरिजॉन्टली इसको मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे आपके घर में पानी आता होगा, पानी का यूज़ भी होता होगा, हो सकता हो आपके घर में 500 लीटर पानी यूटिलाइज होता हो, लेकिन आप उसको एफिशिएंटली मैनेज करने लगे तो आप उस 500 लीटर को 2 दिन तक चला सकते हैं। ठीक बात है ना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑब्जेक्टिव तो ये है ही है कि हर खेत में सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है क्या है कि पर क्रॉप मोर ड्रॉप, सॉरी ऐसे कुछ है, सॉरी हाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राइट, कि हर ड्रॉप को से हम ज़्यादा, यानी कुछ मैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए इसने दो माइक्रो लेवल की स्कीम्स और स्टार्ट करी हैं, एक का नाम है जल संचय और जल सिंचन। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल संचय और जल सिंचन, सिंचय सिंचन क्या है, तो रेन वाटर को स्टोर करना माइक्रो लेवल पर। रेन वाटर को माइक्रो लेवल पर तो बहुत प्रोटेक्शन की स्कीम है, तो कैसे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर। क्या क्या नाम रखा गया है, जल सिंचय और जल सिंचन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा और आप लोग इस पर थोड़ा सा अपना काम भी कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 3 योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, या हम कहें कि इसको फुलफिल करने के लिए 3 प्रोग्राम को हमने एक किया है। नंबर 1 AIBP एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना किस प्रोग्राम के अंतर्गत है, AIBP। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ध्यान से देखिए वो बदल गया है नाम। दूसरा IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, कौन सी इंप्लीमेंट कर रही है, MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। इन 3 स्कीम से हम लोग उन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं जो हमने डिसाइड किए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ठीक है, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है, वो इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सिविल सर्विसेज में स्कीम्स को ऐसे पूछते हैं कि वो पॉइंट हम लोग ने उस साल तक तो नहीं पढ़े होते हैं, अगले साल सब पढ़ लेते हैं उस साल तक, तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग करेंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तुम लोग के काम का भी नहीं है, स्टेट सर्विसेज में जुडिशियल सर्विस में इतना डिटेल में नहीं जाते। इंडिया इन्वाइटेड टू ज्वाइन ब्लू डॉट नेटवर्क BDN। अभी BDN क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। एक समिट हुई, इंडो पैसिफिक समिट, देखें द BDN वॉज फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन 4 नवंबर 2009 एट द इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक थाईलैंड। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ जिसका हमने क्या नाम रखा, BDN। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बनता है कि BDN का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कहाँ से हो रहा है, तो क्या आंसर होगा बताइए, इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम बैंकॉक थाईलैंड। ठीक बात है, अभी है क्या ये, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा, हो सकता है इसे पूछा भी नहीं है। जब ये बिजनेस फोरम की मीटिंग हुई तो इसमें कौन कौन से दो देश, कौन कौन से देश थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 3 देशों में डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये भी एंगल देखते चलेगा, USA भी डेमोक्रेटिक है, जापान भी डेमोक्रेटिक है और ऑस्ट्रेलिया भी डेमोक्रेटिक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है BDN का, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना जो सस्टेनेबल हो, नॉन
एग्जॉस्टिव हो या नॉन एक्सप्लोइटेटिव हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है, उनको सर्टिफिकेशन देना। कहीं ना कहीं इन तीन देशों को देखकर और इस अभी जो हम लोग ने हेडिंग पढ़ी इसकी कि इंडिया इनवाइटेड, तो ये चार देश हो जाते हैं। कौन कौन से देखिए ध्यान से, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। यही आपने अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में पढ़ रहे थे 2+2, या इसी को हमने एक और नाम दिया क्वाड, एक्सिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो बीडीएन जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, टू डायरेक्ट काउंटर द चाइनाज बीआरआई स्कीम। बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, चाइना भी एक एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहा है, तो उसी बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या निकाला है, बीडीएन निकाला है। बीडीएन फंडिंग भी करेगा, बीडीएन इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी देगा। क्लियर हो गया सबको? ऐसा कहीं ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि बीडीएन बीआरआई के अपोजिट है, बट ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर एक कम्युनिस्ट पावर को रोकना चाह रहे हैं, और जरूरी भी है रोकना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया इसका मेंबर बन भी गया है। देखें ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन क्या है, बीडीएन विल सर्व एज ग्लोबली रिकॉग्नाइज सील ऑफ अप्रूवल ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबल हो और किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। क्लियर हो गया बीडीएन? इसी में मालाबार एक्सरसाइज की भी बात करी गई, वो भी देख लेते हैं फटाक से। मालाबार एक्सरसाइज किन देशों की नेवीज के बीच में होता है, इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होता है। अभी हाल में ही इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट कर लिया गया, तो मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली अब होने लगा। इस बार ऑस्ट्रेलिया के इनविटेशन के बाद चार देशों के बीच में होने लगा, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। अगेन 2+2 क्वाड। ऑस्ट्रेलिया इंक्लूजन टू मालाबार फॉलोड द रीसेंट 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई, या इस बार कौन सा नया देश शामिल हुआ, कौन सा हुआ, ठीक बताओ। CPI बेस ईयर रिवाइज 2000, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछेंगे कि CPI IW का बेस ईयर क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा अब, 2006। इसके पहले क्या था, 2001, तो 1 से क्या कर दिया गया, 16 कर दिया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही है, CPI इन्फ्लेशन नापने का एक तरीका है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक CPI होता है, तो CPI क्या है, कंज्यूमर लेवल पर नापना। और CPI में अलग अलग तरीके से तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं, CPI IW, CPI AW और CPI RW। अभी देखते हैं, देखिए एक एक करके। रिसेंटली आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किसने CPI IW का बेस ईयर चेंज किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज्ड न्यू बेस ईयर फॉर द CPI IW और क्या कर दिया, 2016 कर दिया। CPI IW 2016 ने किस ईयर को रिप्लेस किया, 2011 है, अच्छा ओके। अब देखो एक बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग IW का मतलब क्या, इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्री कहाँ है, शहरों में कि गाँव में, शहरों में लेबर्स वहाँ पे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर वहाँ पे हैं। तो हमारी जो सैलरी का एक पार्ट होता है बेसिक सैलरी, और उसके बाद तो DA, डियरनेस अलाउंसेस। तो डियरनेस अलाउंसेस कैलकुलेट करने के लिए किसको बेसिस माना जाता है, CPI IW को। पॉइंट समझ में है, देखिए द CPI IW इज मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस। आपके घर में जो आपको जो सैलरी भी मिलेगी उसमें भी DA बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अब जब CPI IW को हम 2016 के बेसिस पे करेंगे तो डियरनेस अलाउंस बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट बढ़ाइए अगर मैनेज करना है इसको। DNS अलाउंस किसको दिया जाता है, पेड टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वर्कर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। पॉइंट समझ में आ गया। कौन मेंटेन करता है CPI IW, मेंटेन्ड बाई लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, बस इसी तरह से आपको पढ़ते चलना। और कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए, CPI किसको नापने का तरीका है, CPI एक इन्फ्लेशन को। किस लेवल पर नापता है, होलसेल लेवल पर कि रिटेल लेवल पर, नहीं कंज्यूमर, नाम से क्लियर है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 100 किलो आटा लेने जाओगे तो क्या रेट पड़ेगा, 1 किलो लेने जाओगे तो क्या रेट पड़ेगा, तो कंज्यूमर लेवल पर। अभी ऐसे देखिए, मैंने आपको बताया अलग अलग कैटेगरी है, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर या रूरल वर्कर। आप बताओ कि आपको लगता है ना
किसी प्रोडक्ट का दाम गांव में कुछ हो सकता है, आटे का ही दाम ले लो, और शहरों में कुछ हो सकता है। किसी सर्विसेज का दाम गांव में कुछ हो सकता है और शहर में कुछ हो सकता है। तो इसलिए सभी को हमने टारगेटेड बना दिया है, ठीक बात है। और होल सेल प्राइस में हम एक आइटम बास्केट लेके चलते हैं जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कैलकुलेट करते हैं, और CPI थोड़ा थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। देखिए CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है, ऑल्दो हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेजर हैं, देखो CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल ट्रेवलर, ठीक है। कौन कंपाइल करता है, दीज थ्री इंडेक्स आर कंपाइल्ड बाई लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बस इतना इंपॉर्टेंट है, रेस्ट हम लोग इसको इकोनॉमिक्स वाली क्लास में जब CPI पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। नाग बहुत पुराना है लेकिन अभी फिर चर्चा में आ गया, इसका टेस्ट हुआ होगा, ऐसे चर्चा में आते रहते हैं, टेस्ट होता रहता है। तो नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया है। को किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है। इसकी मिनिमम रेंज कितनी है, 500 मीटर, मैक्सिमम रेंज कितनी है, 4 किलोमीटर। फाइनली बताने की कोशिश करें कि बड़ा पावरफुल है, कोई बड़े बड़े टैंकों को ये आराम से ख़त्म कर सकता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMDP किसका आइडिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को किसी भी तरह से मिसाइल के फील्ड में हम सेल्फ इंडिपेंडेंट पूरी तरह से बना दें या इंडिपेंडेंट बना दें। इस स्कीम को या IGMDP प्रोग्राम को, जो कि कलाम साहब का आइडिया था, गवर्नमेंट ने कब अप्रूव किया, 1983 में, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया कब, 2012। IGMDP में 5 मिसाइल्स हैं, 5 टाइप की मिसाइल्स रखी गई हैं, जिनको हम एक छोटा सा नाम दे सकते हैं, पटना, PATNA, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पृथ्वी, सॉल्ट रेट सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंजेस, और अग्नि के कई सारे हम फॉर्म बना चुके हैं। अग्नि 5 को हम लोग ICBM भी बोलते हैं, इसकी जो लेंथ है या जो इसकी मारक क्षमता है वो कॉन्टिनेंटल रेंज तक है, 5000 किलोमीटर तक है, तो ICBM हो गई। तो अग्नि क्या है, ICBM भी हो गई। त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5ों को किस प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया है, आंसर क्या है, IGMDP। क्लियर हो गया। और इसमें कुछ अगला देखो, फॉरेक्स रिजर्व। RBI ने अभी रिसेंटली डेटा दिया और कहा कि इस समय जो फॉरेक्स का लेवल है वो लाइफ टाइम हाई हो गया, यानी आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से हम फॉरेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भारत के पास कभी इकट्ठा हुआ, इस समय इकट्ठा हुआ। और डेट क्या है अभी चली, 16 अक्टूबर को जो हफ्ता एंड हो रहा है उसमें हमने बहुत सारा फॉरेक्स इकट्ठा कर लिया। कभी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स बनता किस किस चीज़ों से, ये पूछेगा आपको। नाम से देखो क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऐसा फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एसेट जो रिजर्व बैंक ने होल्ड कर रखा हो अपने पास, ठीक बात है, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ने अपने पास होल्ड कर रख रखा हो। अच्छा बताओ, जैसे US के डॉलर हैं, अगर इंडिया के पास है तो फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा हो गए। नॉर्मली जो अच्छे देशों की करेंसीज उनको फॉरेक्स का हिस्सा माना जा सकता है। देखिए, बाई अ सेंट्रल बैंक इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, पाउंड है, यूरो है, डॉलर है, इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं, कुछ देशों के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कोई ट्रेड बिल्स वगैरह, ट्रेजरी बिल एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी फॉरेक्स का हिस्सा हो सकती हैं। आगे ये पॉइंट पर सिविल सर्विसेज 2015 में सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फॉरेक्स में क्या क्या आता है, यही सारे ऑप्शन थे, फॉरेन करेंसी एसेट्स, यही सारी बातें, डॉलर है, किसी विदेशी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ठीक बात है। दूसरा गोल्ड, सोना, सोना भी किसका हिस्सा है, फॉरेक्स का हिस्सा है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट का रिलेशन कहाँ से है, IMF से है, ठीक बात है। देखो होता क्या है,
IMF में अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना होगा, यानी कुछ पैसा आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा IMF में। मान लीजिए कि आपने एक्स अमाउंट जमा किया, इसी एक्स अमाउंट के बेसिस पर दो चीज़ें डिसाइड होंगी कि आपका वोटिंग राइट कितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसाइड होगा आपका वोटिंग राइट कितना होगा और आप कितना पैसा भविष्य में ड्रॉ कर सकते हो, कितना पैसा आप हमसे उधार ले सकते हो फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट। जब हम लोग IMF पढ़ेंगे कभी डिटेल में तो डेल में नाम सीख लेना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, कितना पैसा आप किसी परिस्थिति में निकाल सकते हैं। ठीक बात है। कॉमनली जितना आपने कंपलसरी कंट्रीब्यूट किया उससे कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देता है SDR आपको, उससे ज़्यादा, ताकि आप अपना बिजनेस आराम से मैनेज कर सको या अपना जो भी आपको ट्रेड बैलेंस है उसको मेंटेन कर सको। इसी को हमने क्या नाम दिया, SDR। तो इसको भी फॉरेक्स माना जाता है, फॉरेक्स रिजर्व माना जाता है कि IMF ने आपको कितना SDR दे रखा, आप किसी इमरजेंसी में कितना पैसा उधार ले सकते हो। क्लियर हुआ। अब मान लो कि इसका 50% आप ख़त्म कर चुके हो और जो पैसा बचा उसको हम क्या नाम देंगे, रिजर्व। बचेगा ना, इतना बचा हुआ है तो रिजर्व ट्रांच। इस बार सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में पूछा गया था रिजर्व ट्रांचेस का संबंध किससे है, तो किससे है, IMF से। IAS में था, PCS में था, किससे है, IMF से। तो ये सारी चीज़ें भी क्या मानी जाएंगी, फॉरेक्स का हिस्सा मानी जाएंगी। देखिए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व पोजिशन विद IMF, तो ये सब किसका हिस्सा है, फॉरेक्स का हिस्सा है। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगला देखते हैं, अगली न्यूज़ है, पाकिस्तान को वापस से क्या, ग्रे लिस्ट में मेंटेन करके रखा गया है, FATF की ग्रे लिस्ट में मेंटेन करके रखा गया है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला तो FATF क्या है, दूसरा ग्रे लिस्ट क्या है। तो FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसमें दो तरह की लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ऐसे कंट्रीज जो मनी लॉन्ड्रिंग में या टेररिज्म फाइनेंसिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक बात है, उनको हम लोग रखते हैं ब्लैक लिस्ट में, और ऐसे जिन्हें सेफ हेवन माना जा सकता है या ऐसा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व माना जा सकता है उन्हें किस लिस्ट में रख देते हैं, ग्रे लिस्ट में। आगे देखें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बनी थी, 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट इन पेरिस। इवन इसका जो हेड ऑफिस है वो आज भी कहाँ पे है, पेरिस में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है FATF का, टू कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। सेक्रेटरिएट कहाँ है देखिए बताइए, OECD हेडक्वार्टर पेरिस। इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, मेंबर कंट्रीज कितने हैं, FATF में 39 मेंबर कंट्रीज हैं। और कौन से दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, GCC और यूरोपियन कमीशन। याद रखिए यूनियन नहीं लिखा हुआ है, कमीशन लिखा हुआ, दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग हैं। आगे कितनी लिस्ट है, ग्रे और ब्लैक, मैंने क्लियर कर दिया। देखिए, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को हमने यहाँ पे रखा है, ऐसे देश पे मॉनिटरिंग थोड़ी सी तेज कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, या तो हमारा ग्रे लिस्ट वाला सब खत्म हो जाएगा या तो हम आपको उठा के कहाँ कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, अभी हाल फिलहाल में ब्लैक लिस्ट में कौन से दो नेशंस को रखा गया है, नॉर्थ कोरिया और ईरान को। क्लियर हो गया। अगला, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं, 23 अक्टूबर 2013। क्यों 23 अक्टूबर 2013 को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 12 देशों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसको हम नाम बोलते हैं बिस्केक डिक्लेरेशन, ठीक है। ये अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिस्केक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड। बिस्केक कहाँ की कैपिटल है, किर्गिस्तान की। कैपिटल से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, अभी UPPCS में भी सीधा सीधा दो क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, एक रोज याद करोगे तब भी याद हो जाएगी। 5 बिग कैट्स की फैमिली पाई जाती है इंडिया में, ठीक है, कौन कौन है उसमें, लॉयन, टाइगर, कॉमन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। अगला देखो, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, एक पार्क है हेमिस एल्टीट्यूड पार्क लद्दाख में, इसको हम लोग बोल सकते हैं। सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पे पाए जाने वाले स्नो लेपर्ड कहाँ पे हैं, तो लद्दाख पे। या स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, हेमिस लद्दाख है। हेमिस नेशनल पार्क की कैटेगरी है, इट इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो हैज़ अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड।
जैसे सारे जानवर या ज़्यादातर जानवर ख़त्म हो रहे हैं, वैसे स्नो लेपर्ड ख़त्म हो रहे हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसे इलीगल पोचिंग, हमारे शौक, हम सबको मार रहे हैं, आदमी भी मार रहे हैं, हम जानवर भी मार रहे हैं, जब हम जानवर नहीं मार पा रहे हैं तो उनके घर जला दे रहे हैं, उनके घर को ख़राब कर दे रहे हैं, उसमें पार्क बना ले रहे हैं, कुछ लोगों को अलग अलग तरह का स्वाद है, कभी छोटी मुर्गी, कभी इंदौर की मुर्गी, कभी बड़ी मुर्गी, तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हैबिटाट, इलीगल ट्रेड, अभी सब में कॉमन रीज़न आप पढ़ोगे, जो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी है उनमें सब में एक ही टाइप के रीजन्स आप पढ़ेंगे, वो कॉमन है, वो एक बार याद कर लीजिए, हर जगह कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बस खत्म होगा, ये पीडीएफ मैं आपको भी मेल कर दूंगा।